के मेरा भी बाकी रुक, मैं बाकी रुक। बॉलर का नाम क्या है? बॉलर कौन है? बॉलर का नाम क्या है? बॉलर का नाम बॉलिंग क्या हो, नाम क्या हो, कैटा को बॉलर अभी और बॉलिंग पे अभी। और अभी बॉलिंग करेंगे शेखर को, जल्द से जल्द मैच चालू करें। और डॉट बॉल और ए बोल्ड क्लीन बोल्ड। और बिना खाता खोलते हुए शेखर पवेलियन की तरफ। नेक्स्ट बैट्समैन सैम। और अभी की काफी अच्छी बॉलिंग। और अगले बैट्समैन सैम। और एक रन। गोरखा इलेवन का खाता खुलते हुए एक रन से और एक विकेट। और अभी की बहुत अच्छी बॉलिंग, रन आउट का चांस। बढ़ता हुआ स्कोर दो रन। और ये काफी अच्छा शॉट सैम का और सिंगल से ही संतुष्ट हो रहे। बढ़ता हुआ स्कोर तीन रन। और अभी का काफी लंबा रन अप है, उतना ही फास्ट बॉल डाल रहे हैं। पहली ओवर की समाप्ति पे चार रन और एक विकेट। नेक्स्ट बॉलर बॉलर को नाम
बॉलर नेम अवित 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 और ए डॉट बॉल और ए फुल टॉस बॉल और चार रन परेश ने बढ़ता स्कोर आठ रन और विनीत फील्डिंग लगाते हुए और रिवर्स में सिक्स काफी अच्छा शॉट परेश द्वारा और काफी अच्छा शॉट और एक सिंगल काफी अच्छी फील्डिंग बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन और ए फुल टॉस और एक सिक्स परेश द्वारा गोरखा इलेवन का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन लॉस ऑफ वन विकेट मैच को जल्द से जल्द चालू किया जाए एम्पायर्स मैच को जल्द से जल्द चालू कीजिए दीपक और एक एम्पायर द्वारा नो बॉल एम्पायर द्वारा नो बॉल और ये फ्री हिट है और देखते हैं परेश क्या करते हैं फ्री हिट
और एक काफी अच्छा शॉट और कैच और 2 रन, नो फ्री हिट था इसके लिए, नॉट आउट और 2 रन। और एक डॉट बॉल, और एक काफी अच्छा शॉट परेश द्वारा, और एक ओ 2 रन लेने में, बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। और रिवर्स ट्राई करते हुए और एक डॉट बॉल, काफी अच्छी बैटिंग करते हो परेश। और ए फुल टॉस और एक काफी अच्छा कैच, और ए परेश 23 की पारी खेलते हुए आउट हो गए। लास्ट बॉल है ना, नहीं ओवर हो गया ना, एक नो डाला था ना भाई। हाँ एक बॉल, सॉरी बॉल बाकी रहेगा, बॉलर वही है ना, दीपक ही है ना, बैट्समैन नेम। हाँ अर्जुन, अर्जुन ना, अर्जुन कर दी। और अर्जुन कार्की, और एक अर्जुन द्वारा काफी अच्छा शॉट और ए सिंगल। 29 और 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और भूमि द्वारा काफी अच्छी बॉलिंग, और अर्जुन द्वारा काफी अच्छा शॉट और एक बहुत ही अच्छा कैच।
और एम्पायर द्वारा नो बॉल, एम्पायर द्वारा नो बॉल। और ये फ्री हिट है, दो दो। और ये काफी अच्छा शॉट अर्जुन द्वारा, और मिस फील्ड, चार रन। बढ़ता है स्कोर 35। और काफी अच्छा बॉल, और काफी अच्छा शॉट, और ये 6 रन। ये सैम द्वारा 6। बढ़ता स्कोर 42 42। दो बॉल बाकी है, दो बॉल। और लास्ट के दो बॉल, और स्कोर हो चुका है 42। माय मिस्टेक, स्कोर 43 था और ये 44 हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत गए, और काफी अच्छा शॉट, 6 रन। और हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए गोरखा 11 के 50 रन। और भूल एकता समाज को जीतने के लिए 51 रन की आवश्यकता। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें। रुकना रुकना, बैठेंगे बता, मैं इधर हूँ, मैच खेलो, रुकना 2 मिनट, फोन कर लो। नॉन स्ट्राइक पे कौन है? बैट्समैन का नाम बोलना, नॉन स्ट्राइक पे। और विनीत, पहली बॉल डॉट। नॉनसाइड का नाम क्या है? नॉनसाइड का नाम बैट्समैन, बैट्समैन नीचे का विनीत, तो और नीचे और एक काफी अच्छा शॉट विनीत द्वारा, और ए सिंगल। बैट्समैन नेम प्लीज। और एक काफी अच्छा शॉट रिवर्स मारते हुए 4 रन। सैंडी बढ़ता स्कोर 5 रन और टारगेट है 51। और एक रिवर्स शॉट गैप में जाते हुए, और ड्यू के कारण बॉल रुक गया, और 2 रन। 7 रन। और वाइट और बोनस के 4 रन। और बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। और एक काफी अजीब गरीब शॉट,
बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। और विनीत द्वारा काफी अच्छा शॉट और सिंगल, और विनीत स्ट्राइक लेने के लिए सिंगल लिए हैं। और पहली ओवर की समाप्ति पे 14 रन। और अगला ओवर लेते हुए सैम, और काफी अच्छी बॉलिंग। और एक काफी कड़क शॉट विनीत द्वारा, सैंडी स्ट्राइक पे सैंडी। और बॉलिंग लेते हुए सैम, और एक काफी अच्छा शॉट सैंडी द्वारा 6। टारगेट तो बहुत बड़ा है 51 का, लेकिन चेस करते हुए दूसरी ओवर के रन 21। और जीत के लिए अभी भी 30 रन की आवश्यकता। और एक काफी अच्छा कट करते हुए भरत 11 वर्सेस एनएसपी बड़ौदा। भरत 11 के कैप्टन, एनएसपी बड़ौदा के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन से अनिरोध है, जल्द से जल्द स्टेज पे आइए टॉस के लिए। बहुत ही बेहतरीन मैच, बहुत ही बेहतरीन स्थिति में। इसी के साथ डॉट बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर बीएएस का 22। आधा सफर कर चुके हैं भूल एकता समाज, सामने गोरखा 11, अ टीम फ्रॉम गुजरात। हाफ लेंथ बॉल लेग की तरफ घुमा के हुए, अंपायर का इशारा 4 रन। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 भूल एकता समाज, 2 ओवर 26 रन। और 12 बॉल 25 रनों की आवश्यकता भूल एकता समाज ऑर्गेनाइजर टीम। राजेश जी की मेहनत करी हुई टीम, रीबिल्ड हुई टीम, बारह बॉल 25 रन। अर्जुन फारके, भारत 11 के कैप्टन,
एनएसपी बड़ौदा के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन से अनिरुद्ध है, जल्द से जल्द आइए कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए। 12 गेंदों में 25 रन। कीपर की ऊपर से चिप करने की कोशिश नाकामयाबी। 11 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। सैंडी की तरफ से अब कुछ चमत्कार ही भूलेखता समाज को इस मैच में फिर से वापस ला सकता है। और ये वाइट अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, देयर विल बी नो डिस्कशन। अंपायर वाइड बॉल। 11 गेंद है 24 रन। बॉलर से अनुरोध है कि वो डिस्कशन में ना जाइए। चार रन। दस गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। ये मैच रोमांचक स्थिति में, भूलेखता समाज के काफी प्रशंसक स्टेज पे मौजूद अपनी टीम को फुल सपोर्ट करते हुए। बहुत ही बेहतरीन बॉल, सीधा ब्लॉक हॉल, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी अर्जुन पर की द्वारा, बहुत ही बेहतरीन वापसी चौका खाने के बाद। 9 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। भरत इलेवन, ये लास्ट वार्निंग है भरत इलेवन एनएसपी बड़ौदा, दोनों ही कैप्टन को लास्ट वार्निंग है। एनएसपी बड़ौदा आ चुके हैं भरत इलेवन के कैप्टन से, मेरा ये अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए। आठ गेंदे 20 रन। ये कुछ मिलता जुलता मैच T20 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वाह, व्हाट अ बॉल, अ गेम चेंजर ओवर फ्रॉम अर्जुन पार्की। व्हाट अ एक्सीलेंट 5 डिलीवरी, ही हैज कंसीडर्ड विद ओनली 1-4। एनएसपी बड़ौदा की टीम का हार्दिक स्वागत। जमुना पार सात समुद्र पार ये टीम। राजेश जी के सपना को चकनाचूर करने आई है ये टीम। बेहतरीन शॉट ऑफ में फील्डर है वहां पर, दर्शकों की कमी नहीं है यहाँ भूलेखता समाज को, ऑडियंस से तरफ से फुल हुटिंग चालू है। बट फिलहाल भूलेखता समाज बहुत ही गंभीर स्थिति में, और भारत इलेवन के एक कैप्टन को बुलाए थे हमने, दो कैप्टन आए, आप दोनों आपस में डिसाइड कर लीजिए टॉस कौन उड़ाएगा। छह गेंदों में भारत इलेवन ने टॉस जीत के बैटिंग का निर्णय लिया है। एनएसपी बड़ौदा फील्डिंग। 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। बॉलर का नाम संतोष जी, बॉलर का नाम सौरभ, अब सौरभ तिवारी बोल लीजिए, सौरभ गांगुली बोल लीजिए, सौरभ चंद्रशेखर आजाद बोल लीजिए, सौरभ भूल बोल लीजिए।
सौरभ रावल बोल लीजिए, अंपायर का इशारा वाइड, बहुत ही खराब शुरुआत यहां पर बॉलर द्वारा। डिस्कशन गोइंग ऑन, छह गेंदों में 17 रन की आवश्यकता, काफी कुछ इस मैच में घटता हुआ, 17 छह गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। राजेश जी की धड़कनें तेज, जितना मैं उन्हें जानता हूँ दिखाएंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बट सबसे ज्यादा फर्क उन्हीं को पड़ रहा है फिलहाल इस वक्त। और ये विनीत का बेहतरीन शॉट, बट आई थिंक सो ये एक रनों का, 5 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता, 1 रनों से आई थिंक सो गोरखा 11 को काफी कोई नुकसान नहीं होगा, बट अच्छी बात बोल एकता समाज के तरफ से अगर हम देखें तो सैंडी जो कि ओपनिंग में आए थे स्ट्राइक लेंगे, अब बहुत ही नामचीन प्लेयर है वो टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट के महाराष्ट्र में। 5 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, सभी नजरें सैंडी की ओर, 5 गेंदे 16 रन, और बेहतरीन शॉट लेग में, बहुत ही खराब बॉल, इस गेंदों में 6 रन चाहिए ही था और सैंडी ने 6 रन मार के अपनी टीम को इस गेम में वापसी कराते हुए, और यहीं पे भूल एकता समाज के सपोर्टर काफी खुश। 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता, भूल एकता समाज आप देख सकते हो ऑडियंस की हूटिंग यहां पे, चार गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता, इसके बाद का मैच भारत 11 वर्सेस एनएसपी बड़ौदा, अ मस्ट वॉच मैच। और ये शॉट ऑफ में, क्या ये 4 रोक पाएंगे, ना मुमकिन, बहुत ही बेहतरीन शॉट, 2 बॉलों में, दो गेंदों में अपने टीम को वापसी दिलाते हुए भूल एकता समाज के बल्लेबाज सैंडी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि भूल एकता समाज के लोगों के मुझे कमेंट्री ना सिखाइए प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे बोलते ना लेट मी कंप्लीट। 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता, और ये डायरेक्ट बॉल ये लेग में मारा है, और ये 6 रन, भूल एकता समाज मैच विन, और काफी अच्छा चेस करते हुए भूल एकता समाज के बैट्समैन सैंडी, जैसे कि मैंने कहा था एक बहुत ही बड़े नामचीन प्लेयर है सैंडी, उसी तरीके से अपने गेम को दर्शाया और अपने